हेलो स्टूडेंट, एसएम एजुकेशन सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नीट पीजी जो करना चाहते हैं स्टूडेंट 2020 के लिए, तो उसमें आपको बताता हूँ कि कौन कौन से स्टेट में डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं और टोटल कितने हैं, और कौन से आप यूनिवर्सिटी में, आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप काउंसलिंग कर सकते हैं ऐसा स्टूडेंट जो कि डीम्ड के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको बात करता हूँ टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटी कर्नाटका में है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी, उड़ीसा, हरियाणा, गुजरात, केरला, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में, यानी कि टोटल 11 यानी कि 11 ऐसा स्टेट है जहाँ की डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब मैं एक एक करके बताता हूँ कौन कौन से डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट नंबर पर श्री सिद्धार्था एकेडमिक तुम्बुकुर बेगूर में आपका है, आपका एक कर्नाटका में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हमदर्द इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च न्यू दिल्ली, और थर्ड नंबर पर है रूरल मेडिकल कॉलेज एंड PIMS लोनी महाराष्ट्र, फोर्थ नंबर पर कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपार, ये आपका है मैंगलोर कर्नाटका में, पाँच नंबर पर आपका है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपार, ये आपका मणिपाल कर्नाटका में है, सिक्स नंबर पर KS हेगड़े मेडिकल एकेडमिक मैंगलोर कर्नाटका, और जो सेवन नंबर पे है SDU मेडिकल कॉलेज कोलार कर्नाटका, जो एट नंबर पे है वह JSS मेडिकल कॉलेज जगत गुरु कर्नाटका, नाइन नंबर पे MM इंस्टीट्यूट्स मेडिकल एंड रिसर्च मुलाना हरियाणा में है, और टेन नंबर पे आपका जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगावी कर्नाटका, इलेवेंथ नंबर पे है श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज DU तुम्बुकुर कर्नाटका, और ट्वेल्थ नंबर पर आपका SBKS मेडिकल इंस्टीट्यूट्स एंड रिसर्च सेंटर समानदीप गुजरात, और नेक्स्ट आपका है थर्टीन नंबर वो है आपका कलिंगा इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर उड़ीसा, और फोर्टीन नंबर पे है आपका यानुपोया मेडिकल कॉलेज मैंगलोर कर्नाटका, और फिफ्टीन नंबर पे आपका BLDE यूनिवर्सिटी बीजापुर कर्नाटका, सिक्सटीन नंबर पे है JLN मेडिकल कॉलेज दाता मेघ वर्धा महाराष्ट्र, और सेवेंटीन नंबर पे है BV डीम्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सांगली महाराष्ट्र, और एटीन नंबर पे इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस एंड SUM यानी कि शुम हॉस्पिटल भुवनेश्वर उड़ीसा, और नाइनटीन नंबर पे है अमृता इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस कोची केरला, ट्वेंटी नंबर पे है विनायका मिशन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल क्राइकेल पुडुचेरी, और ट्वेंटी वन नंबर पे है श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज कांचीपुरम तमिलनाडु। नेक्स्ट है आपका ट्वेंटी टू नंबर पे BVD यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज पुणे महाराष्ट्र, गीताम इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, और ट्वेंटी फोर नंबर पर कृष्णा इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस कराड महाराष्ट्र, और 25 नंबर पे आपका आरुपराई वीरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पुडुचेरी, और 26 नंबर पे आपका है MGM मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद महाराष्ट्र, वहीं 27 नंबर पे है MGM मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई महाराष्ट्र, 28 नंबर पे आपका MGMC एंड श्री बालाजी विद्यापीठ पुडुचेरी, ये पुडुचेरी में है। 29 नंबर पे आपका है वह है BMKB मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेलम तमिलनाडु, 13 नंबर पे है आपका डॉक्टर DY पाटिल एजुकेशन सोसाइटी डीम्ड यूनिवर्सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र, 31 नंबर पे आपका है श्री लक्ष्मी नगर नारायण इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस पुडुचेरी, और 32 नंबर पर डॉक्टर DY पाटिल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पुणे महाराष्ट्र, 33 नंबर पर चेतनानंद हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कांचीपुरम तमिलनाडु, और 34 पे है सविता मेडिकल कॉलेज चेन्नई तमिलनाडु, और 35 में आपका श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स तमिलनाडु चेन्नई, और 36 नंबर पे आपका SRM मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई तमिलनाडु, 37 नंबर पे मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स चेन्नई तमिलनाडु, 38 पे SES मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई तमिलनाडु, और 39 नंबर पे राजा राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु कर्नाटका, 40 नंबर पे संतोष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, एंड 41 नंबर पे है श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल तमिलनाडु चेन्नई, और 42 नंबर पे है आपका डॉक्टर DY पाटिल मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई महाराष्ट्र। ये टोटल आपका जो भी जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटी था इसका लिस्ट था, बाकी इसमें जो भी आपका सिस्टम है, फी स्ट्रक्चर है, या फिर जो भी इसमें का पेनल्टी है, और इसका जो भी आपका इंक्रीमेंट है,
वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यदि आप लोग को काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आती है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है आपको। आपको किसी भी तरीके के काउंसलिंग सपोर्ट दी जाएगी, हमारी सर्विस है, वो पे सर्विस है, हमारे पास अच्छे काउंसलर जो कि आपको हमेशा गाइडेंस करेंगे। थैंक यू दोस्तों।